अपने हार्ड डिस्क मोबाइल या फिर अपने मेमोरी कार्ड को कई बार फॉर्मेट किया हुआ, क्या आप जानते हैं कि फॉर्मेट से उसमें एक ऐसा क्या होता है जिससे उसकी सारी फाइलें चली जाती हैं? क्या आपकी हार्ड डिस्क या फिर जो आप फॉर्मेट कर रहे हैं डिवाइस को, क्या फॉर्मेटिंग उसमें कुछ फर्क पड़ता है, क्या उसकी लाइफ कम हो जाती है? अगर आप इसके बारे में जान दोस्तों, आपने कई बार अपने मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क या फिर अपने स्मार्टफोन को कई बार फॉर्मेट किया हुआ, क्या आप जानते हैं कि ये फॉर्मेट कैसे होती है? साथ ही कई लोग ये भी सोचते हैं कि जब हम अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, मगर ऐसा नहीं होता। आप उसे फॉर्मेट करते हैं तो उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ उसके अंदर होने वाले सॉफ्टवेयर का काम है, ये हार्डवेयर का कोई काम नहीं होता। उसको फॉर्मेट करने के लिए उसकी ना तो कुछ ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इस लगभग मामूली ही थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी चाहती है। ये इसका इसमें बैटरी लाइफ, आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ, साथ ही साथ आपके हार्ड डिस्क की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता। अब बात करें कि यह डिलीट कैसे होती है, तो मान लो अगर आपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया तो वो हार्ड डिस्क उसके अंदर आप जितनी फाइलें स्टोर करते हैं उनके आप नेम के हिसाब से उन्हें रखते हैं। आपने सभी फाइलों का अलग अलग नाम जरूर रखा हुआ, जब उन्हें फॉरवर्ड करते हैं तो हार्ड डिस्क सभी नेम को हटा देता है, सारी चार जितनी भी फाइल है उन्हें अपने सिस्टम के से हटाता है, यानी कि उन्होंने जितनी बाइंडरीज बना रखी है उन सभी को हटा देता है, मगर वो फाइल उसके अंदर से नहीं हटती, सिर्फ उनकी जो लोकेशन है कि ये यहाँ पर सेव है, ये यहाँ पर सेव है, लोकेशन हटती है, फाइल वहाँ से नहीं हटती। इसका इन्हें फिर से रिकवर भी किया जा सकता है। मगर बात करें कि अगर आप इन्हें फॉर्मेट करते हैं तो क्या अभी इसमें जो स्मार्टफोन है या फिर आपकी हार्ड डिस्क उसको असर पड़ता है? इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जितनी भी है वो वहाँ से नहीं जाती, वो सिर्फ उनकी जो नेम है या फिर उनकी जो बाइंडरीज है उन्हें हटाता है, फाइल्स को वो नहीं हटाता फॉर्मेटिंग के टाइम। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग करें तो आपको इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसके जरिए आप उन्हें प्रॉपर फॉर्मेट कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा वापस रिकवर नहीं होता। वो फॉर्मेटिंग है वो आपके हार्ड डिस्क को एकदम ठीक तरीके से फॉर्मेट करती है, जिससे वो वापस सेव नहीं होते फाइल और आप उन्हें फिर से रिकवर कर सकते हैं। ये होती है फॉर्मेटिंग। जो भी आपको पता चल चुका होगा कि फॉर्मेटिंग क्या होती है और फॉर्मेटिंग से क्या आपके स्मार्टफोन या फिर हार्ड डिस्क की बैटरी लाइफ पर कोई असर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।